नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया में। हूं आपके साथ प्रमोद पटेल। कल देर रात 3:30 बजे मुखबिर की सूचना पर सिवनी मालवा पुलिस ने दो व्यक्तियों को झुकलाया नाका के पास दबोच लिया। दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से हरदा की ओर जा रहे थे। अनिरुद्ध रघुवंशी और रामभरोस चार पुलिस ने तलाशी ली तो इनके पास से 4 किलो 300 ग्राम डोडा चुरा निकला। मुखबिर की सूचना पर टीआई अजय तिवारी ने बताया कि मेरे द्वारा टीम गठित की गई सब इंस्पेक्टर सोलंकी, सब इंस्पेक्टर बर्डे, ESR पत्नी, ASI खाकरकर और अन्य टीम ने झुकलाया नाके पर घेराबंदी करके दोनों व्यक्ति को झुकलाया नाके पर ही दबोच लिया। 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। सिवनी मालवा के प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। कल रात्रि में लगभग 3:30 बजे मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल में 2 लोग जो है एक थैले में जो है डोडा चूरा भर के झुकलाया नाका तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर मेरे द्वारा SDOP साहब को अवगत कराया गया। SDOP साहब चूंकि मुख्यालय पर नहीं थे, विजिट में बाहर थे। सब इंस्पेक्टर सोलंकी, सब इंस्पेक्टर बर्डे, ASI पटने, ASI खातरकर और अन्य स्टाफ की मैंने टीम बनाई। मैंने उनको मॉनिटर किया और घेराबंदी की गई झुकलाया नाके के पास में। मोटरसाइकिल क्रमांक MP05ML2708 से 2 लोग, एक का नाम है अनिरुद्ध रघुवंशी और एक का नाम है राम भरोस जाट, मोटरसाइकिल से जाते मिले। अनिरुद्ध रघुवंशी नाम का लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे राम भरोस बैठा था, उसके पास एक थैली थी। उस थैली की तलाशी ली गई। बाकायदा NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस देके उन्हें पूछा गया और तलाशी के दौरान 4 किलो 300 ग्राम NDPS में प्रतिबंधित मादक द्रव्य डोडा चूरा बरामद हुआ। विधिवत संपूर्ण कार्रवाई की गई है। आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है।